एल्विस यादव की जमानत पर आई ये सबसे बड़ी खबर। एल्विस यादव को पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव को फाइनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस ले जाते नजर आई है। यहाँ पर है वो वीडियो जो आप भी देख सकते हो। एल्विस यादव को इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो क्या एल्विस को जमानत मिलने जा रही है? देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, इस समय नोएडा में चल रहा है लॉयरों की हड़ताल, जिसकी वजह से एल्विस यादव को अभी तक जमानत नहीं मिली है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने का एक और वजह भी हो सकती है कि पुलिस चाहती है एल्विस यादव का रिमांड, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एल्विस के दोस्तों को भी अरेस्ट किया गया है, पुलिस इसमें बिल्कुल भी किसी को बख्शना नहीं चाहती हैं। और यही वो बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि एल्विस को फ़िलहाल के लिए उस कोर्ट में नहीं ले जाया गया है जहां पर बेल मिलनी थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एल्विस को पेश किया गया है। फ़िलहाल पुलिस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, एल्विस के जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एल्विस यादव को बेल मिले और वो ज़मानत पर बाहर आएँ। फ़िलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, एल्विस की इस दुखद घड़ी में आप क्या कहना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।